नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पोस्ट कार्ड पर। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी काफी सारे डेबिट कार्ड्स हैं और आप डेबिट कार्ड मतलब फिजिकल कार्ड से पैसे निकालते हो एटीएम से, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पोस्ट कार्ड। तो दोस्तों, आरबीआई का प्रेस रिलीज आया है 8 अप्रैल को। तो यहाँ पे उन्होंने आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका एक स्टेटमेंट इन्होंने शेयर किया है हम सभी के साथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह अब से आपको फिजिकल कार्ड्स की जरूरत नहीं होगी और आप बड़े आसान तरीके से अपने मोबाइल को यूज करके आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। कार्ड की जरूरत नहीं है, मोबाइल से पैसे निकलेंगे। बहुत ही अच्छा एक न्यूज है हम सभी के लिए। तो चलिए वो पहले सर्कुलर देख लेते हैं, और सर्कुलर नहीं, एक ये प्रेस रिलीज है। पहले वो प्रेस रिलीज में क्या मेंशन है पहले ये देख लेते हैं, फिर थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली होने क्या वाला है। तो दोस्तों, यही है वो प्रेस रिलीज जहाँ पे गवर्नर का स्टेटमेंट जो आया था 8 अप्रैल 2022 को, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में उन्होंने डिस्कशन किया था, और डिस्कशन करने के बाद ये सारे पॉइंट्स हमारे साथ प्रेस रिलीज के जरिए शेयर किया गया है। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा होगा डिसीजंस एंड डिलीवरेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आरबीआई की एक एमपीसी होती है जो कि डिसाइड करती है कि आने वाले दिनों में क्या क्या चेंजेस या फिर क्या क्या मॉडिफिकेशंस वो करने वाले हैं, या फिर क्या प्रपोज्ड होता है कि इस तरह के चेंजेस करेंगे तो बैंकिंग में और जो भी रेगुलेटरी हमारे अलग अलग जो भी और बॉडीज़ हैं इनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए। तो यहाँ पे आपको आना है सबसे नीचे वाले पॉइंट की तरफ, मैं आऊँगा 25th नंबर पॉइंट। दिस इज द वन, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विद्रॉल एट एटीएम्स। एट प्रेजेंट द फैसिलिटी ऑफ कार्डलेस कैश विद्रॉल थ्रू एटीएम्स इज लिमिटेड ओनली टू फ्यू बैंक्स। इसका मतलब है कि कुछ ही बैंक्स हैं जो कि फिलहाल कार्डलेस कैश विद्रॉल देती हैं, लेकिन इट इज नाउ प्रपोज टू मेक कार्डलेस कैश विद्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल अक्रॉस ऑल बैंक्स एंड एटीएम नेटवर्क्स यूजिंग द यूपीआई। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीआई यूज करके अब आप, अगर मान लीजिए आपके पास स्टेट बैंक का एक डेबिट कार्ड है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट यूपीआई यूज करके आप एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, पीएनबी हो, किसी भी बैंक के एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हो, और वो भी कार्डलेस। इन एडिशन टू एनहैंसिंग ईज ऑफ ट्रांजेक्शन, द एबसेंस ऑफ द नीड ऑफ फिजिकल कार्ड फॉर सच ट्रांजेक्शन वुड हेल्प प्रिवेंट फ्रॉड्स सच एज कार्ड स्कीमिंग एंड कार्ड क्लोनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस तरह के बहुत सारे कंप्लेन आते थे कि कार्ड स्कीमिंग हो गया, कार्ड क्लोनिंग हो गया, और किसी ने किसी के पैसे निकाल लिए, तो जब फिजिकल कार्ड रहेगा ही नहीं तो ये जितने भी मतलब झमेले हैं ये भी नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, और इससे आप आसानी से अपने पैसे विद द हेल्प ऑफ यूपीआई अपने एटीएम से निकाल सकते हो। तो इसमें बहुत ही इजी हो जाएगा कस्टमर्स के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से आप, क्योंकि सारा कुछ जब डिजिटल हो ही रहा है तो फिर फिजिकल चीज़ें यूज़ करने का क्या फ़ायदा। तो आरबीआई का एक बहुत ही अच्छा पहल है, आशा करते हैं कि ये एक अच्छा सेटअप तैयार करेगा। वैसे एट प्रेजेंट कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि 10,000 से लेकर 20,000 तक का ट्रांजेक्शन देते हैं कार्डलेस कैश विड्रॉल में, लेकिन अब ये शायद इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, इसमें यहाँ तो कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ अभी तक डिजिटल इस तरह के कोई भी ट्रांजेक्शन होते थे तो बैंक्स जो हैं वो चार्जेस लगाते थे। तो यहाँ तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, शायद कुछ चार्जेस नहीं लगेंगे या फिर लग भी सकते हैं, तो इसके ऊपर में शायद अलग से कुछ एक नोटिस या सर्कुलर आ सकता है। तो दोस्तों, जो यूपीआई पेमेंट से हम लोग पेमेंट करते हैं, जिससे हमारी लाइफ कहे तो बहुत आसान हो चुकी है। आज के डेट में कोई भी जेब में अपना पैसा लेके नहीं घूमता, और एटीएम तो हम लोग शायद हार्डली कभी जाते हैं पैसे निकालने के लिए, क्योंकि आप कहीं भी जाओ तो आप क्यूआर स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हमारे साथ अभी चल रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन का। तो इसमें आरबीआई ने भी थोड़ा और ज्यादा पहल किया है कि अगर अभी आपको पैसे ही निकालने हैं तो कार्ड की क्या जरूरत है। तो कुछ ऐसा होगा सेटअप, ये डिस्कशन चल रहा है। तो सेटअप कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए आप एटीएम में जाएंगे, तो एटीएम मशीन में आपको जब आप यूपीआई से अपना रिक्वेस्ट करोगे ना, तो वहां पे एक क्यूआर जैसा आएगा, तो आपको क्या करना है, बस वो क्यूआर को अपने मोबाइल से स्कैन कर देना है। तो जब आप क्यूआर से वो स्कैन कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके पैसे निकलेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, फिजिकल डेबिट कार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जैसे अभी मेरा ही देखिए, मेरे पास एक एसबीआई का अकाउंट है, एचडीएफसी का अकाउंट है, तो मुझे दो दो डेबिट कार्ड्स रखने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये दोनों रखता हूँ तो इसके एनुअल चार्जेस भी लगते हैं। मिनिमम अगर आप एक कार्ड रखना चाहो तो रख ही सकते हो, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स में आपके इस तरह के डेबिट कार्ड्स हैं, आपका खर्चा भी बचेगा। और हाँ, कार्ड क्लोनिंग और कार्ड स्कीमिंग जैसे फ्रॉड्स बहुत होते हैं, तो इससे भी ग्राहकों को मतलब बहुत 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 हेल्प होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने चैनल पोस्ट कार्ड के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और अपना प्यार हम सभी को देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पोस्ट कार्ड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।